नमस्कार बच्चों, अपना लेसन वन चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का सामान्य परिचय। उसमें अपने मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग के तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कौन सा है? पहला प्रारंभिक अवस्था, दूसरा था वर्गीकरण और तीसरा था सारांश। तो पहला जो अपनी अवस्था थी, पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था, अवस्था अब प्रारंभिक अवस्था में जो व्यापारी होते हैं, सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखते हैं, जैसे ही कोई मौद्रिक व्यवहार करते हैं और मौद्रिक व्यवहार करते ही जिस पुस्तक में लिखते हैं, मैंने बताया था उसे जर्नल कहते हैं। अब जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करेंगे, केवल जर्नल बनाएंगे प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी है वो जर्नल को कई भागों में बांट लेते हैं और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, एक सहायक भाई है। तो सबसे पहले अपने जर्नल के बारे में जानते हैं कि जर्नल क्या चीज़ होती है, कैसे बनाई जाती है, इसका प्रारूप क्या होता है। लेकिन उससे पहले जर्नल के देखो, जर्नल जब बनाते हो तो जर्नल बनाने से पहले खातों को तीन भागों में बांटा जाता है, और वो खाते कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर एक व्यक्तिगत खाते, नंबर दो वस्तुगत या वास्तविक खाते, और नंबर तीन नाममात्र या अवास्तविक खाते। यानी व्यक्तिगत खाते जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, और नाममात्र या वास्तविक खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट। जर्नल बनाने के उद्देश्य से तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं अपने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते, नाममात्र के खाते या अवास्तविक खाते। अब देखो, जब आप जर्नल बनाओगे तो इन तीन खातों के रूल देखने पड़ेंगे पहले आप, भी रूल कौन से होते हैं। जब अपने जर्नल बनाएंगे तो किसको एंट्री डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो पहले ये देखो कि जब अपने तीनों प्रकार के खाते होंगे तो पहले इनके रूल देखते हैं। पहला खाता अपना कौन सा है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट होता क्या है, देखो पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होएगा, जिसमें क्या चीज़ आएगी, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे अपना जिससे अपने उधार माल खरीदा बेचा, या खुद भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। यानी जो व्यक्ति व्यापार करता है वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। किसी इन मान लो कि किसी का नाम मान लो, जैसे किसी बैंक का नाम एक पर्सनल अकाउंट है, किसी कंपनी का नाम एक पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का नाम एक पर्सनल अकाउंट है। इसके अंतर्गत सारे क्या आते हैं कि पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सनल नाम आते हैं, पर्सनल व्यक्ति आते हैं, जिसमें व्यापारी यानी ओनर भी खुद एक है। जब अपने जर्नल बनाते हैं तो जर्नल बनाने की दृष्टि से अपने जब खातों को तीन भागों में बांटते हैं तो पहला अपना कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता। अब मान लो जैसे पहले ये मान लो कि देखो कि जब व्यापारी है और व्यापार है, जो व्यक्ति व्यापार करता है वो क्या कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। जो व्यक्ति व्यापार करता है वो व्यापारी कहलाता है, वो वहाँ का मालिक है उस व्यापार का। लेकिन जो अकाउंट है वो ये नहीं मानता, वो ये कहता है कि जो व्यापार कर रहा है, जो ओनर है, वो एक अलग व्यक्ति है, और जो अपने जो खाते बना रहे हैं वो किसके बना रहे हैं, अपने तो बिजनेस के बना रहे हैं, इसलिए व्यापार एक अलग चीज़ है। व्यापारी अलग है और व्यापार अलग है, दोनों को क्या मानता है, वो अलग अलग मानता है। लेखांकन ये कहता है कि व्यापारी और व्यापार इनका जो अस्तित्व है वो क्या है, अलग अलग है।
हमें जो सारे अकाउंट तैयार करने हैं, जर्नल तैयार करनी है, वो किसकी करनी होती है? वो करनी होती है व्यापार की, न कि व्यापारी की। क्योंकि अगर मान लो अपने व्यापारी के व्यवहारों का लेखा करें, उनकी ट्रांजैक्शन लिखने लग गए, तो व्यापारी तो अपने घर में सब्जी भी खरीद के लाएगा, कपड़ा भी लाएगा, और वो व्यापार में भी लाएगा, व्यापार का माल खरीदेगा। तो हम किसकी एंट्री करें? अगर दोनों की करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि व्यापारी ने व्यापार में कितने रुपए कमाए, क्या लाभ कमाया, क्या उसे हानि हुई, क्योंकि उसमें पर्सनल खर्चे आ जाएंगे। इसलिए अपने जो सारा लेखा करते हैं वो किसका करते हैं? व्यापार का करते हैं, न कि व्यापारी का। तो इसमें जब जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में कुछ कुल जो खाते होते हैं उसको तीन भागों में बांट लिया जाता है। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत खाते। कौन सा है? व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, क्या नियम है? देखो, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। अब बात वही है, क्या पाने वाला, किससे पाने वाला और किसको देने वाला। अब बात वो आ गई, अपने जो सारे अकाउंट तैयार करते हैं वो किसके करते हैं? व्यापार के। आपको ये देखना है कि जो हमने ट्रांजैक्शन करी है उसमें जो कोई व्यक्ति देने वाला है या फिर पाने वाला है। अपने मान लो ये मान लेते हैं, राम ने 1000 रुपये दिए, राम ने 1000 रुपये दिए, एक तो व्यापार हो गया जो लेख तैयार करेगा। हमारे सामने जो दूसरा व्यक्ति वो राम है। कौन है? राम। तो आपको ये देखना है कि ये राम अब कौन सा अकाउंट हो गया, क्योंकि नाम है किसी का, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। इसका रूल क्या है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब एक तो व्यापार है, एक दूसरा व्यक्ति, हमें दूसरे व्यक्ति को लेकर देखना है कि व्यापार में वह व्यक्ति दे रहा है या फिर व्यापार से पार आया। तो अब राम है, यहाँ पे राम ने 1000 रुपये दिए, राम ने क्या किया है? 1000 रुपये दिए हैं। इसका मतलब राम क्या हो गया? देने वाला हो गया। राम क्या हो गया? देने वाला हो गया। तो देने वाले को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। तो 1000 रुपये राम के अपने क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपये क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब मान लो कि ऐसा जाता है, मोहन को 2000 रुपये चुकाए, यानी उसे पेड कर दिए हमने 2000 रुपये। मोहन को कितने रुपए पेड कर दिए? 2000 रुपये। अब मोहन को 2000 रुपये पेड कर दिए, अब मोहन को 2000 रुपये पेड किए हमने, तो आपको ये देखना है कि वही व्यापार को लेकर चलो कि व्यापार में मोहन है वो देने वाला है या फिर लेने वाला है। अब देखो, मोहन को 2000 रुपये दिए, किसने दिए? यहाँ पर कोई भी कार्य कर रहा है वो व्यापार है, व्यापार ने मोहन को 2000 रुपये चुकाए हैं। व्यापार ने मोहन को क्या किया है? 2000 रुपये चुकाए हैं। तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया? पाने वाला हो गया। तो पाने वाले को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। तो पाने वाले को तो डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। कहाँ से पाने वाला और कहाँ देने वाला? व्यापार से ही पाने वाला और व्यापार को ही देने वाला। जैसे ऊपर वाले में राम ने 1000 रुपये दिए, तो यहाँ पर राम क्या हो गया? देने वाला। देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। मोहन को 2000 रुपये चुकाए, यहाँ पर मोहन है वो पाने वाला है, क्योंकि व्यापार ने उसे चुकाए हैं। तो पाने वाले को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। और देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो राम ने 1000 रुपये दिए, तो वहाँ पर वो क्या हो गया? देने वाला, उसे क्रेडिट कर दिया। और मोहन यहाँ पर क्या हो गया? पाने वाला, तो उसे डेबिट कर दिया। तो रूल क्या बना अपना व्यक्तिगत खाते का? क्या रूल हो गया?
पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। दूसरे खाते अपने कौन से हैं? वस्तुगत वस्तुगत या वास्तविक खाते, वस्तुगत या वास्तविक खाते। अब वस्तुगत या वास्तविक खाते जिसे कैसे बोलते हैं अपनी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब वस्तुगत या वास्तविक खाते में सारी संपत्तियों के खाते आते हैं, वस्तुओं के खाते आते हैं। इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कोई वस्तु व्यापार में आई है या फिर वस्तु व्यापार से गई है। तो इसमें रूल क्या होता है, जो वस्तु, नियम क्या हो गया इसका, जो वस्तु व्यापार में आती है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट करो, कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करना आपको डेबिट करना है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे आपको क्या करना है क्रेडिट करना है। जैसे मान लो ये अगर राम ने 1000 रुपये दिए, राम तो यहाँ पे कौन सा खाता हो गया, पर्सनल अकाउंट। जो हमने देखा कि राम इसमें क्या हो गया, राम ने 1000 रुपये दिए तो राम इसमें देने वाला हो गया, लेकिन उसने क्या दिया, 1000 रुपये दिए। अब 1000 रुपये कौन से खाते में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, वो एक वस्तुगत खाता माना जाएगा। अब हम इसका रूल देखते हैं, 1000 रुपये दिए, अब आपको ये देखना है कि ये 1000 रुपये व्यापार में आए या फिर व्यापार से गए, ये 1000 रुपये व्यापार में आए या फिर व्यापार से गए। तो देखो राम ने 1000 रुपये दिए तो 1000 रुपये व्यापार में आए हैं, तो इसमें क्या लिखा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, तो 1000 रुपये इसको क्या करना है, इसमें डेबिट करना है, 1000 रुपये को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। मोहन को 2000 रुपये चुकाए, अब मोहन को 2000 रुपये चुकाए हैं तो मोहन तो यहाँ पे कौन सा खाता था, व्यक्तिगत खाता, और 2000 रुपये कौन सा हो गया, वस्तुगत खाता। तो मोहन को 2000 रुपये चुकाए तो यहाँ पर पाने वाला कौन हुआ, मोहन, वो तो बात पीछे हो चुकी है, लेकिन वस्तु क्या गई है इसमें, 2000 रुपये गए हैं, क्योंकि व्यापार ने उसे 2000 रुपये चुकाए हैं। अब 2000 रुपये चुकाए तो पाने वाला मोहन, तो दो खाते हो गए इसमें, एक तो व्यक्तिगत खाता दूसरा वस्तुगत खाता। फिलहाल बात चल रही है अपने वस्तुगत खाते की, तो कोई वस्तु व्यापार में आई है या फिर गई है, तो यहाँ पर 2000 रुपये व्यापार से गए हैं, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट करो, तो आपको 2000 रुपयों को क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है। तो वस्तुगत या वास्तविक खाते रियल अकाउंट, इसका क्या रूल हो गया, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। नंबर 3 आ गया अपना नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक या नाममात्र के खाते। जिसे बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट, क्या बोलेंगे, जिसे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, इसमें सारे एक्सपेंसेस आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारे लॉस और सारे प्रॉफिट। अवास्तविक या नाममात्र खातों में वे खाते आते हैं जो इनमें नहीं आए,
वो बच गए वो क्या आएंगे, नाम मात्र के या अवास्तविक खाते होते हैं। इसमें आता है सारे खर्चों यानी एक्सपेंसेस के अकाउंट, सारी इनकम यानी आय के अकाउंट, सारी लॉस यानी हानि के अकाउंट और सारे प्रॉफिट यानी कि लाभ के अकाउंट। तो अवास्तविक या नाममात्र खातों से नियम रूल क्या होते हैं, देखो नियम या रूल क्या है इसके, व्यय या हानि को डेबिट करो यानी को क्या करना है, डेबिट करना है। लाभ या आय को क्रेडिट करो, यानी को क्या करना है, डेबिट करना है। लाभ या आय को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब यानी जैसे व्यापारी ने ₹2000 वेतन के चुकाए, व्यापारी ने ₹2000 वेतन के चुकाए, व्यापारी ने ₹2000 वेतन के चुकाए, सैलरी चुकाई। अब आपको देखना है ये जो सैलरी है उस व्यापार के लिए व्यय है या फिर आय है, व्यय है या फिर आय है। तो उसने चुकाए हैं, अपने व्यापार ने चुकाए हैं, अतः ये उसके लिए क्या हो गया, एक व्यय हो गया। और व्यय को क्या करना है, डेबिट करना है। व्यय को क्या करना है, डेबिट करना है। तो सैलरी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। अब बात आती है व्यापारी ने 4000 कमीशन प्राप्त किया, व्यापारी ने 4000 कमीशन प्राप्त किया। अब यहाँ देखो 4000 हो गए और साथ में कमीशन हो गया, तो 4000 तो कौन सा खाता आ गया, वस्तुगत खाते में। और कमीशन प्राप्त करने का मतलब कमीशन उस व्यापार के लिए इनकम हो गया, आए तो रुपए हैं कमीशन के रूप में, लेकिन उस इनकम का नाम क्या है, कमीशन है। तो देखो अपने कमीशन यहाँ पर आय है या फिर व्यय है, तो अपने व्यापार को लेकर चल रहे हैं, तो व्यापार के लिए कमीशन क्या हो गया, इनकम का साधन हो गया। और इनकम को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। अब एक चीज़ देखेंगे अपने कि प्रत्येक जो व्यवहार हो रही है, प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन हो रही है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में दो दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। जैसे व्यापारी ने 4000 कमीशन प्राप्त किए, तो एक तो 4000 प्रभावित हुए क्योंकि ये तो वस्तुगत खाते में आ गया, और एक कमीशन प्रभावित हुआ वो नाममात्र के खाते में आ गया। तो कमीशन इनकम का साधन हो गया और कैश रोकड़ जो अपने पास आई वो एक वस्तु हो गई। तो इसमें दो खाते प्रभावित हो गए, ये तो कौन सा हो गया, रियल अकाउंट हो गया अपना, और कमीशन नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हो गए। अब रियल अकाउंट का क्या रूल था, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो कमीशन जब प्राप्त किया व्यापारी ने, तो कैश तो आई है, कैश आई है तो कैश को तो डेबिट कर देंगे। और दूसरा अपना कमीशन अकाउंट इफेक्टिव हुआ, अब कमीशन है वो हमारे लिए क्या हो गया, एक इनकम हो गई। तो इनकम हो गई तो इसे क्या करना, आपको क्रेडिट करना है। तो व्यापारी ने 4000 जब कमीशन प्राप्त किया तो इसमें कमीशन अकाउंट है वो क्रेडिट होएगा। तो जब जर्नल बनाओगे तो जर्नल से रिलेटेड आपको ये तीन रूल ध्यान रखने हैं। जब ये तीन रूल आपके याद हो जाएंगे तो आपको जर्नल बनानी आ जाएगी। वो रूल क्या है, पहले देखो जर्नल ये अपनी कौन सी अवस्था है, ये अपनी प्राइमरी स्टेज है जिसमें व्यापारी सबसे पहले जर्नल बनाता है। और जर्नल बनाने के उद्देश्य से समस्त खातों को तीन भागों में बांटता है, पहला व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, वस्तुगत या वास्तविक खाता रियल अकाउंट, अवास्तविक या नाममात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट।
तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाला कहाँ से, व्यापार से, देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। देने वाला भी कहाँ से, व्यापार से। तो जो व्यापार में अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो उसे तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, और व्यापार से कोई पाने वाला है तो उसे क्या करना है, आपको डेबिट करना है। अब आते देखो वस्तु या वस्तुगत या वास्तविक खाते। अब वस्तुगत या वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट क्या होता है, ये वस्तुओं से, संपत्तियों से, दायित्वों से संबंधित होता है। इसमें या तो व्यापार में वस्तु आती है या फिर व्यापार से वस्तु जाती है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अवास्तविक या नाममात्र के खातों में कौन से खाते आएंगे, सारे अवास्तविक या नाममात्र खातों में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, सारे लॉस आएंगे, सारे इनकम आएंगे और सारे ही प्रॉफिट आएंगे। इसमें रूल क्या होगा, जो एक्सपेंसेस या लॉस है उसे तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और प्रॉफिट या इनकम को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, ये तीन रूल हो गए जो जनरल बनाने के हैं। अब जब अपने जनरल बनाते हैं तो जनरल बनाने से पहले आपको कुछ एक वर्ड है जिनको पहले सीखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होती है, इसे क्या कहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में अपने सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, तो जर्नल से रिलेटेड आपके सामने कुछ एक वर्ड आएंगे। उन वर्ड के, क्योंकि आपको देखो जर्नल बनानी है वो इंग्लिश में बनानी पड़ेगी, इसमें सारा का सारा कार्य क्या होगा, आपका इंग्लिश में ही होगा। इसलिए सबसे पहले आप उन वर्डों के बारे में समझो जो वर्ड अपने जर्नल के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें है कैपिटल, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूंजी, कैपिटल या पूंजी। अब कैपिटल या पूंजी क्या है, अपने घर पे बहुत सारे रुपए पड़े हैं, क्या वो पूंजी है? अपने घर पे मान लो लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं तो वो पूंजी नहीं है, क्योंकि पूंजी किसे कहते हैं, व्यापारी द्वारा जो अमाउंट या धनराशि व्यापार में लगाई जाती है, व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है वो क्या है, पूंजी या कैपिटल है। यानी व्यापारी व्यापार में जो धनराशि लगाता है, जो अमाउंट लगाता है, चाहे वो कहीं से लाकर लगा दे, वो सारी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो आपसे कोई पूछे पूंजी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है, व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है वो क्या है, कैपिटल है। एक बिजनेसमैन जो अमाउंट है बिजनेस में लगाता है वो क्या है, उसकी कैपिटल है। वही रुपए अगर घर पे पड़े हैं तो वो कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल कब होएंगे, जब वो व्यापार में लग जाएंगे, जब वो व्यापार में लग जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक कैपिटल बन जाती है। अंडरस्टैंड, अब देखो तो कैपिटल क्या होगी, व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है वो कैपिटल है। उसके बाद इसमें वर्ड आता है देखो एक माल, तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसे इंग्लिश में अपने गुड्स बोलते हैं, क्योंकि सारा जो व्यापार निर्धारित है वो माल से ही होएगा। ये कोई व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है तो कोई व्यक्ति यदि कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा उसके लिए क्या हो गया, माल हो गया। कोई व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा उसके लिए क्या है, माल है। अब माल कहते किसे हैं, आपसे कोई ये पूछ ले क्या है माल, यहाँ पर ये टेबल पड़ी है क्या ये माल है, वहाँ पे वो चेयर पड़ी है क्या वो माल है। तो माल या गुड्स, जो अपने जी डब्ल्यू ओ डी लिखते हैं तो गुड माने अच्छा हो जाता है, जब आगे एस लगाओगे गुड्स माने माल हो जाएगा। अब आपसे कोई आप ये पूछ ले माल किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है वो माल है। या फिर आप ये बोल सकते हो कोई व्यापारी जिस वस्तु का कारोबार करता है
वो क्या है? माल है। देखो इसमें दो बातें आ गई कि व्यापारी का उद्देश्य उसे खरीदते वक्त ही क्या होना चाहिए, उसे बेचना होना चाहिए। यानी जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? अपने माल कहते हैं। जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? अपने माल कहते हैं। अब माल क्या हो गया, जिसे गुड्स बोलते हैं, क्या बताओगे? जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है वो माल है, या कोई व्यापारी जिस वस्तु का कारोबार करता है वो क्या है? उसके लिए माल है। ठीक है, जैसे एक कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी दो प्रकार की वस्तु, दो चीजें खरीद रहा है, मान लो दो वस्तुएं खरीद रहा है, एक तो कपड़ा खरीद रहा है और एक चार चेयर्स खरीद रहा है, कुर्सियां। यानी साथ में वो कपड़ा खरीद रहा है, साथ में वो कुर्सियां खरीद रहा है। अब एक कपड़े का व्यापारी है, जब उसने इन दोनों चीजों को खरीदा तो कपड़ा तो ऐसी वस्तु है जो उसने बेचने के उद्देश्य से खरीदी है, क्योंकि जब उसने कपड़ा खरीदा तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था उसे बेचना। तो कपड़ा यहाँ पर क्या हो गया? उसके लिए माल हो गया। लेकिन जब उसने कुर्सियाँ खरीदी, एक कपड़े का व्यापारी कुर्सियाँ खरीद रहा है तो स्पष्ट है वो उसे बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा, वो उसका क्या करेगा? यूज़ करेगा, वो उसे यूज़ में लेगा, इसलिए कुर्सियाँ यहाँ पर उसके लिए माल नहीं हुई है। वो क्या हो गई? यहाँ पर उसके लिए एक वस्तु है, सिर्फ एक संपत्ति है, वो यहाँ पर माल नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे बेचना नहीं था। मान लो वो कुर्सियाँ बाद में पुरानी होगी और व्यापारी ने उन पुरानी कुर्सियों को, व्यापारी ने क्या किया, उन पुरानी कुर्सियों को बेच दिया, क्या वो माल बनी? वो अभी भी माल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब उसने उसे खरीदा था तो उसका जो उद्देश्य था वो उसे बेचना कतई नहीं था, वो क्या था? यूज करना था, वो पुरानी होने के कारण बेच दिया। या दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि व्यापारी कुर्सियों का कारोबार नहीं करता, अतः वो उसके लिए माल नहीं है। एक बार यदि उसने कुर्सियां बेच दी तो उसके लिए माल नहीं बना है। तो माल किसे कहेंगे? माल कहेंगे कि व्यापारी द्वारा जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से ही खरीदी जाती है, व्यापारी द्वारा जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है वो क्या है? माल है। और अगर व्यापारी कोई वस्तु व्यापार में यूज के लिए खरीदता है तो वो उसके लिए क्या है? संपत्ति या वस्तु है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है अपनी? व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है, माल क्या हो गया, गुड्स क्या हो गया, जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है से खरीदी जाती है माल कहलाती है, या व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का कारोबार किया जाता है